हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन होम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप इस के लिए लेकर आए हैं इतनी स्वादिष्ट, इतनी यमी सी ये मशरूम की रेसिपी कि आप अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट होता है। देखिए, मसाले वही हैं, सामान वही है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा आप डिफरेंट करेंगे तो एकदम होटल रेस्टोरेंट से भी स्वादिष्ट घर में आप मशरूम बना पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा। देखिए, आप मशरूम ले लीजिए तो, और उसे जो है पहले गेहूं के आटे से आप क्लीन करके धो करके साफ कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे जो है सेकेंड वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि कैसे मशरूम साफ करते हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मशरूम हमने कट कर लिया है, लहसुन ले लिया है, प्याज, टमाटर, और देखिए यहाँ खड़े मसाले हमने लिए हैं, दो लाल मिर्च लिया है, दो तेज़पत्ता लिया है, एक हरी इलायची हमने उसे कूट लिया है, बड़ी इलायची, और चार पांच दाने और काली मिर्च है, और ये जो है तीन से चार लौंग है, दालचीनी है। अब यहाँ पर देखिए ये आधा इंच टुकड़ा अदरक का और लहसुन का, इसे हम खलबट्टे में डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे बारीक एकदम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में भी डाल करके पीस सकते हैं। तो जो आपको सही लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप इसे कर लीजिए। जब आप देखिए अदरक और जो है लहसुन, इसका पेस्ट आपको अलग से तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया था और 10 से 12 कलियां जो है लहसुन की ली हुई थी, तो ये सारे हम ले लेंगे। इसके बाद देखिए हम ग्राइंडर जार में क्या करेंगे कि प्याज जो है कट करेंगे, दो प्याज हम कट करेंगे। यहाँ पर हमने तीन प्याज रखे हुए थे तो दो प्याज जो है हम इसे पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डाल के। दो प्याज और दो टमाटर को आप एक साथ पीस लीजिए। हमने अदरक और लहसुन पहले ही कूट लिया है, अगर आपने नहीं कूटा है तो आप इसमें डाल करके पीस सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है टमाटर और प्याज को बारीक पीस लीजिए और इसको आप देखिए तैयारियां आप पहले पूरी कर लीजिए, इसके बाद आप मशरूम लीजिए। इसमें 1/4 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, और यहाँ पर ये हम काश्मीरी मिर्च ऐड किए हैं, तीखा वाला नहीं है, और ये स्वादानुसार हम नमक को ऐड करेंगे, और अदरक लहसुन का आधा चम्मच पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें सरसों के हम तकरीबन 1.5 चम्मच 2 चम्मच के तकरीबन हम ये तेल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से डाल करके हमें मिक्स कर लेना। अगर आप जो है तेल कम खाते हैं तो आप जो है इसमें पानी भी डाल करके ऐसे पहले मशरूम में मसालों को ऐसे मैरिनेट कर लीजिएगा। इस तरीके से हम सारे जो है मसाले अच्छी तरीके से हमें लगा लेने हैं देखिए, और इसे लगा करके आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। जब आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लो तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखो। अब इसके बाद 10 मिनट बाद देखिए हम गैस पर हम कढ़ाई को रखेंगे, उसमें डालेंगे सरसों के तेल। यहाँ पर हमने देखिए इतना सा ही डाला है क्योंकि जब आप जो है पहले थोड़ा सा ही तेल डालिए और तेल जब गर्म हो जाए तो जो हमने मैरिनेट करने के लिए मशरूम रखे थे ना, उसको हम इसमें पहले जो है डालेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 से 3 मिनट आपका लगेगा जो है फ्राई करने में। तो यहाँ पर हमने जो है हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर किया है और इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हम चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए जब आप इसे फ्राई कर लो ना, तो फ्राई हो जाने के बाद आपको इसे निकाल लेने हैं, एक बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। तो देखा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन नहीं मानेंगे अगर आप इस तरीके से मशरूम बनाएंगे तो कितना स्वादिष्ट और टेस्टी होता। आप चाहें तो दूसरा बर्तन ले सकते हैं या दूसरी कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन हम इसी कढ़ाई में हम जो है इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। अब यहाँ पर हम जो है सरसों के
आयल डाल देते हैं। आप जो भी कुकिंग आयल खाते हैं आप उसे डाल सकते हैं। जब आपके आयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तो जो हमने मसाले तड़के वाले दिखाए थे ना, गर्म रखे हुए थे प्लेट में, अब उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं जो अच्छी तरीके से चटक जाए। तो फ्रेंड, जब मसाले आप अच्छी तरीके से भून लीजिए, तो एक जो प्याज हमने रखा था उसे बारीक कट कर लेना है और फिर उसको हम डाल देंगे। जब आपका प्याज हल्का सा भून जाए ना, गोल्डन हो जाए, तब इसके बाद आपको इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। यहाँ टोटल जो है एक मिनट लगा है और प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, पहले भुनेंगे। देखिए, अदरक लहसुन पहले भून लेने से क्या होता है ना, सब्ज़ी की ये जो टेस्ट है एकदम ही चेंज हो जाते हैं। अगर आप लहसुन टमाटर प्याज के साथ ये लहसुन अदरक डालते ना, तो उसका जो है उतना स्वाद दूसरा हो जाता है। लेकिन जब आप वही पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनते हैं, तो उसका स्वाद दूसरा होता है। आप इस तरीके से देखिए, करने के बाद जब भून जाए, तो यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च को ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च लिया है, एक चम्मच गरम मसाला लिया है, और यहाँ पर हल्का सा जो है हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि थोड़ा सा तीखा, आप तीखा जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। मसाले एक बार चलाने के बाद तुरंत आप जो है प्याज और टमाटर का पेस्ट डालें, क्योंकि तेल में मसाले जो है ना जल जाएंगे, इसलिए आप तुरंत ही एक बार चलाइए, बस उतने ही 2-3 सेकंड में ही वो मसाले अच्छी तरीके से भून जाते हैं। जब इसमें आप टमाटर और प्याज के पेस्ट डालने के बाद, इसे इसमें जो हमने छोटे छोटे 2 लहसुन रखे थे, इसको हम खड़े ऐसे ही साफ़ करके डाल देंगे। देखिए, अगर आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो इसे आप इसकी भी कर सकते हैं, और इसे आप जो है ढक करके पकाएंगे। जब क्योंकि जब पेस्ट हम डालते हैं ना, तो उसके बुलबुले पड़ते हैं और वो बाहर उसके निकलते हैं, छिटकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, 2-3 मिनट हमें केवल अच्छी तरीके से भून लेना है, और यहाँ पर फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, न ज़्यादा ही लो फ्लेम रखना है। और देखिए, मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स भून चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जब आपके अच्छी तरीके से भून जाए ना, तो इसी स्टेज पे आपको जो मशरूम आपने फ्राई करके रखे थे उसको हमें डाल देना है। और देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी ये रेसिपी बन करके फ्रेंड्स तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आप जो है अगर रेसिपी हमारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हो। तो इस तरीके से आप जब देखिए, एकदम मसाला भून चुका है, हमारी सब्ज़ी एकदम भून करके तैयार है। अब इस स्टेज पर हम जो है नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। नमक को थोड़ा हल्का ही डालिएगा, क्योंकि हमने जब मैरिनेट करते वक्त मशरूम में हमने थोड़े से नमक पहले ही ऐड किए थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपके जो है मसालों में नमक तेज़ हो जाएंगे। तो देखिए, इसका लुक देखिए कितना बढ़िया सा आया है, और यहाँ पर हम ये पानी ऐड कर देते हैं। तो अब एक हमने केवल एक ही कटोरी का पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी, अगर थोड़ा पतला ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमने केवल एक ही कप पानी लिया है। और देखिए, यहाँ पर अब हम धनिया पत्ती को भी ऐड कर देंगे, और इसे अब अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। और जब आपकी सब्ज़ी ये पक जाए ना, तो एकदम सर्व करने के लिए फ्रेंड्स तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ केवल टोटल हमने 1.5-2 मिनट तक पकाया है, और क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके फ्रेंड देखिए एकदम तैयार है। और इस तरीके से आप सब्ज़ी को बनाइए, मशरूम की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लुक देखिए बहुत ही यमी है।
तो फ्रेंड्स, आप को अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।